हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति। आज हम बनाएंगे मसाला प्रॉन। ये बनाने में बहुत ही इजी है। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। प्रॉन्स को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है करी पत्ता, जीरा, साबुत धनिया, चना दाल, काली मिर्च। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इस पे सारे साबुत मसाले डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें थोड़ी देर ही भूनना है। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे, फिर उसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दो प्याज को बारीकी से काट लिया है, एक टमाटो को भी काट लिया है, एक कैप्सिकम को मैंने छोटे पीसेस में इस तरह से काट लिया है। कढ़ाई गरम होने रख दिया है। अब हम इस पे तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा सरसों दाना डालेंगे। अब हम इस पे कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इस पे टमाटो डाल देंगे और टमाटो को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इस पे कैप्सिकम डालेंगे। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस पे मैरिनेटेड प्रॉन डाल देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने जो मसाला बनाया था अब हम इस पे डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो कटे हुए मिर्ची डाल देंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्रॉन्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। एक बार प्रॉन्स को चेक कर लेते हैं। प्रॉन्स बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे।